हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, वेलकम बैक टू द गोल्डन ब्लश। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वेलकम टू द गोल्डन ब्लश। मेरा नाम है तिशा और इस चैनल पर हम बात करते हैं ब्यूटी, मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, हर तरह की चीज़ जो कि गर्ली गर्ली होती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आज क्या हुआ ना, आज है सैटरडे, फेस्टिवल्स का टाइम भी चल रहा है, अभी नवरात्रि चल रहे हैं टेक्निकली। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बढ़िया सा स्किन केयर घर पर किया जाए, जो कि जो अपना मंथली स्किन केयर होता है, फेशियल वगैरह। तो यूजुअली क्या होता है ना कि मैं फेशियल्स घर पे कर लेती हूँ, क्योंकि कौन जाए यार बार बार, मतलब उतनी देर तक वहाँ पे बैठो, इंतज़ार करो, फिर वो आएंगे, फिर यू नो इट टेक्स टाइम। तो कभी मुझे मन करता है रिलैक्स करने का तो मैं वहाँ चली जाती हूँ, बट वो होता है 3-4 महीने में एक बार। और जो मेरा मंथली फेशियल होता है ना, वो मैं खुद ही घर पे करना प्रेफर करती हूँ। थोड़े दिन बाद दिवाली है, उसके पहले करवा चौथ आएगी, तो मुझे क्या ट्राई करनी थी एक नई फेशियल किट, जो कि बहुत टाइम से अवेलेबल है मार्केट में बट मैंने कभी यूज़ नहीं करी है, विच इज़ O3 प्रोफेशनल शाइन एंड ग्लो किट। तो ये एक 7-स्टेप फेशियल है। अब अगर आप O3 फेशियल्स को देखोगे तो वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, हर तरह का सैलॉन O3 फेशियल रखता ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको घर पे भी ट्राई किया जाए, और घर पे क्या हम सेम रिजल्ट्स पा सकते हैं, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है। तो मेरी ये कोशिश है डेफिनेटली कि ये आपको करीब एक हफ्ता पहले करवा चौथ के मिल जाए वीडियो, ताकि आप में से अगर कोई ट्राई करना चाहे तो आप कर सकते हो। तो ये है O3 की फेशियल किट, इट इज़ अ 7-स्टेप फेशियल जैसे पीछे लिखा है, और ये मैंने मंगवाई है अमेजोन से, और इसका MRP है 699। हाउएवर ये मुझे कुछ 580 रुपये की पड़ी है। तो इसको हम देख लेते हैं, इसके इन जो स्टेप्स हैं वो भी देखते जाते हैं, विच इज़ बिट डिसअपॉइंटिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो स्टेप्स हैं, सॉरी नॉट इंग्रेडिएंट्स, स्टेप्स हैं, उनमें से एक है वाइटनिंग क्लेंजिंग फॉर्म विच इज़ द फर्स्ट, फिर होता है एक लैक्टिक पील, फिर प्योरीफाइंग टॉनिक, फिर आर्ब्यूटिन सीरम, फिर डर्मोमेलान क्रीम, आर्ब्यूटिन पाउडर मास्क, और फिर है वाइटनिंग क्रीम विद SPF 30। तो ये जो वाइटनिंग वाला एजेंट है ना, ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि किट का नाम है शाइन एंड ग्लो, एंड शाइन एंड ग्लो आई गेस किसी भी स्किन टोन पे हो सकता है ना, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फेयर स्किन टोन के हो। तो मतलब मुझे थोड़ा सा ना ऑकवर्ड लगा, इन 2024 ऑल्सो हम अभी भी वाइटनिंग और फेयर स्किन इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। मेरी ये जो स्किन टोन है, या अगर 10 शेड डार्क भी होती तो भी मेरी स्किन हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे चेहरे पे ग्लो होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या फ़ायदा, मतलब मैं बिल्कुल इस कलर की सफ़ेद भी हूँ और मेरी स्किन पूरी हेल्दी नहीं है, फुल ऑफ रिंकल्स, डार्क सर्कल्स ऐसी हो रही है। तो उससे तो बेटर है ना कि जो स्किन है उसमें खुश रहें, बट जो भी देखते हैं। अभी हम इसको ओपन करके इसके सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं और फेशियल करते हैं के साथ, के लिए क्या कुछ ग्लो देता है। मतलब मैं इस चीज़ को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, शाइन एंड ग्लो किट, इफ इट इज़ वर्थ यूजिंग बिफोर अ फेस्टिवल। सो अभी बस बाल टाई करते हैं और फेशियल शुरू करते हैं। ओके, तो बाल पूरे पीछे जा चुके हैं, अब इसको हम पैक करके इसके स्टेप्स देखते हैं क्या क्या है। राइट, तो पैकेजिंग तो काफ़ी फैंसी है इसकी, ये 6-स्टेप का मास्क है जो कि इस तरीके से अलग से रिसीव हुआ है, और ये एक ऐसा बुक फॉर्म में बाकी के स्टेप्स हैं, जो थोड़ा सा हिलडुल गया है बट ठीक है। इस तरीके से ये सारे स्टेप्स बाकी के रिसीव हुए हैं, और पीछे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं एक एक करके। फर्स्ट वन इज़ वाइटनिंग क्लेंजिंग फोम ऑन द फेस इन अ सर्कुलर मोशन एंड रिंस। तो ये रहा वाइटनिंग फोम, मुझे बोलने में भी अजीब सा लग रहा है, इस तरीके का कुछ है, मेरे ख्याल से फेस वॉश ही है, फोम है तो फेस वॉश ही है ना। हालांकि मैंने फेस वॉश कर रखा है बट देखते हैं। अब ये वाली किट्स ना मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग एक और वजह से लगती है, जो सिंगल यूज़ किट्स होती हैं, कि अब ये जो है इसकी पैकेजिंग, अगर मेरा इतना बच भी रहा है, मेरे को नहीं यूज़ हो रहा है, तो भी मैं इसको रख नहीं सकती, मुझे या तो फेंकना पड़ेगा या पूरा ज़बरदस्ती यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप कर रहे हो ना, तो या तो दो लोग इकट्ठे हो जाओ पहले ही, यूज़ करने के पहले ही दो लोग रहो, जिससे कि चीज़ वेस्ट नहीं हो। लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं वो 2-2 ml ही हैं, तो देखते हैं अब इसको ये कितना फोम करता है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को लगता है पानी मिला लेना चाहिए। मैं ना वॉश बेसिन पे जाके, बाथरूम में जाके इसको क्लीन करके आती हूँ पहले, बिकॉज ये बहुत सारा हो गया है, नैपकिन विल नॉट बी सफिशेंट
with this. Okay, so I'll see you in a few minutes. All right, तो मैंने face wash कर लिया है, तो definitely कुछ एक असर तो दिख रहा है, जैसे होता है ना dead skin इसने रिमूव कर दी है और एक शाइन सी फेस पे आ गई है इससे. तो अभी हम आगे नेक्स्ट स्टेप्स की ओर चलते हैं, क्या होता है. तो नेक्स्ट स्टेप है इसका लैक्टिक पील. अप्लाई थिन लेयर ऑफ लैक्टिक पील ऑन द फेस एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 4 to 5 minutes एंड पैट एंड रिमूव विद अ वेट टॉवल. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इस लैक्टिक पील को लेके ना एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आईज के पास ज़्यादा मत लेके जाना, इसको पूरे चेहरे पे लगाओ. लैक्टिक पील का काम होता है मेनली जो आपकी सुपरफिशियल लेयर ऑफ डेड स्किन है उसको रिमूव करना. तो आँखों को बचा लेना, क्योंकि आँखों के एकदम पास नहीं जाना चाहिए. ओके, सो मिलते हैं 4 to 5 minutes बाद. ओके, तो लैक्टिक पील लगाए मैं 3 से 4 मिनट तो हो चुके हैं. अभी ऐसा कुछ इरिटेशन नहीं हो रहा. वो एकदम से जब लगाया था ना तब आंखों में एकदम इरिटेशन हुआ था. तो अब हम क्या करेंगे कि इसको लेके एक वेट टॉवल से फेस क्लीन कर लेंगे. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है इनका प्योरीफाइंग टॉनिक, जो कि बस हमें लगा के छोड़ देना है थोड़ी देर. पानी से ऐसे जस्ट लाइक वाटर. ओके, तो पूरा वो जो प्योरीफाइंग सीरम है वो अब्सॉर्ब हो चुका है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज़ द अर्ब्यूटिन सीरम. तो इसको भी लगा के 2-3 मिनट्स तक मसाज करना है. अर्ब्यूटिन का मेन काम होता है चेहरे पे जो भी मेलानिन कंटेंट होता है उसको रिड्यूस करना. बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड कि एक बार के यूज़ से वो नहीं होता है. इट इज़ ऑल अबाउट कि आप ऑन अ रेगुलर बेसिस उसको यूज़ कर पाओ, या तो एटलीस्ट वीकली यूज़ करो, तो ही मेलानिन कंटेंट कम होगा. तो देखते हैं इसका क्या. इसको ऐसा बोला है कि लगा के 2-3 मिनट्स तक मसाज करो अपने चेहरे पे. मेरे ख्याल से इतनी जो मेहनत है ना इसी वजह से लोग प्रेफर करते हैं क्यों सैलून जाके फेशियल करवा लें, क्योंकि कुछ भी है वहाँ पे लेटे लेटे जो सुकून मिलता है ना, मतलब कोई आपकी मसाज कर रहा है कोई. बट इनका फ़ायदा ये रहता है इन किट्स को यूज़ करने का, घर पे अगर आप यूज़ कर लो इनको तो फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी टाइम कर सकते हो, आपका आने जाने का टाइम बचता है, सैलून तक जाके सैलून जाने के लिए रेडी होने का टाइम बच जाता है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर वेट करने का टाइम है. क्योंकि देखो प्राइस की बात करूँ ना, तो अगर आप ये बोलो कि यार जो किट है मुझे तो 600 रुपये की मिल रही है, वो सैलून वाले तो 1700 रुपये ले रहे हैं, बट दे आर एक्चुअली चार्जिंग यू फॉर द सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग. इट्स नॉट अबाउट जस्ट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट लगाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उस प्रोडक्ट को सही तरीके से लगाना इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके बाद कई सारी चीज़ें होती हैं भाई, जो एक्सपेंसेस होते हैं किसी जगह के वो भी होते हैं, स्टाफ का खर्चा होता है और भी चीज. तो ये उन चीज़ों के खर्चे हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट इतने का है तो उतने का ही लग जाना चाहिए. और आपको वो जो एक रिलैक्सेशन मिलता है उसके बाद, इसको धोने के आई डोंट नो व्हाई माय फेस इज फीलिंग वेरी वेरी स्टिकी आफ्टर अप्लाइंग दिस. मसाज तो मैंने कर ली है बट पता नहीं क्यों. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ना ये है डर्मोमिलान क्रीम. तो इसमें भी ख्याल से पूरा करने की क्रीम है ये भी, तो देखते हैं फिर इसका क्या इंस्ट्रक्शन है. मसाज फॉर 10 to 15 मिनट्स. देखते हैं मेरा पेशेंस कब तक चलता है.
10 to 15 minutes यार, मतलब अगर मैं अपना वीकली क्लीनअप देखूँ तो वो बेचारा टोटली 10 to 15 minutes का होता है। तो 10 to 15 minutes तक मसाज करना, सिर्फ मसाज करना, देखते हैं। अब देखो मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रोक्स तो आते नहीं है जो उन लोगों को आते हैं, बट जितना अपन कर सकते हैं वो हम करें। तो अराउंड ना 10 मिनट हो चुके हैं, अब तो मेरा हाथ दर्द कर गए सही में, बट ये अब सॉल्व भी नहीं हो रही। तो इसका जो वाइटनेस थी वो तो जा चुकी है, बट स्टिल देर इज अ लेवल ऑफ ऑयल या फिर वो लोग के मॉइस्चराइजर या जो भी है वो अभी भी है चेहरे पे। तो ये अब्जॉर्ब तो मुझे नहीं लगता हो पाएगी पूरी, क्योंकि इतनी भी ड्राई स्किन नहीं है मेरी। मतलब मैं बोलती रहती हूँ ऐसी मजाक में कि आई गॉट सहारा डेजर्ट ड्राई स्किन, बट इतनी ड्राई नहीं है शायद से इस पूरे को अब्जॉर्ब कर सके। बट मैंने पूरे चेहरे पे अच्छे से मसाज कर लिया, आई नॉट लेफ्ट अ सिंगल पॉइंट, और जितना हो सका कर लिया है। बट अब तो सही में हाथ दर्द करने लगा। अब तो इसका भी देखते हैं रिजल्ट कैसा। अगर ये है तो एक, अगर जैसे स्पेशल इवेंट्स के लिए हम इसको रख सकते हैं घर पे, कि कभी कोई अर्जेंट इवेंट आ गया है जहाँ पे आपको अच्छा दिखना है। ओके, आई एम नॉट गोना लाई, स्किन थोड़ी क्लियरर है अभी, और देखते हैं शाइन तो मे बी वो इतना मॉइस्चराइजर लगा रखा है उसकी वजह से आ रही होगी, बट ओवरऑल अभी देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका है आर्ब्यूटिन पाउडर मास्क। अराउंड 30 ml पानी में इसको मिक्स करके इसको बनाना पड़ेगा आपको फेस पैक। अप्रॉक्स 30 ml पानी मैंने इसमें ले लिया है। आर्ब्यूटिन वंस अगेन एज आई सेड कि ये मेलानिन कंट्रोल करने के लिए काम आता है। इस तरीके का इसका पेस्ट बन गया है, इसको हम चेहरे पे लगा लेंगे। क्लियर लगाने की कोशिश करें कि पील ऑफ मास्क है तो उसको इतनी कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है उस जगह पे। ओके, सो मैंने ना इसकी एक बहुत ही अच्छी थिक लेयर बना ली है अपने चेहरे पे, और ये इस तरीके से ऐसे पील ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो लेट्स सी, मेरे ख्याल से क्या हुआ है ना कि मैंने पानी ज़्यादा मिला दिया था तो वो थोड़ा रनी टेक्स्चर का बन गया था, बट मैंने उसको लेयर पे लेयर लगा के मेड इट टू वर्क समहाउ। अभी देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है आफ्टर 5 to 10 minutes। भाई 5 मिनट तो लगाते लगाते ही हो गए, 5 से 10 मिनट और देखते हैं इसका क्या हाल होता है पूरे। ओके, तो काफ़ी ड्राई सा तो हो गया है, लेट्स सी पील होता है कि नहीं, तो और थोड़ी देर हम बैठे हैं इसको लेके। अभी तो नहीं हो रहा, काफी कूलिंग सेंसेशन है इसकी। पता है सेटिस्फैक्टरी होता ना अगर एक बार में निकल जाते थे। स्किन क्लियर तो दिख रही है और थोड़ी सी, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी लाइट भी दिख रही है। इतने इंग्रेडिएंट्स हमने ऐसे लगा लिए जो कि लाइटनिंग वाइटनिंग वाले ही हैं, तो ऐसे लगना ही चाहिए था। ओके, तो जितना मैं निकाल सकती थी मैंने निकाल लिया है। अब ज़रा इसको वॉश करके ही आती हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
ओके सो ये है रिजल्ट आफ्टर रिमूविंग द मास्क एज वेल। तो अभी अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ ना तो स्किन बहुत सॉफ्ट सपल बहुत ज़्यादा क्लीन फील हो रही है। और अभी हम चलते हैं लास्ट स्टेप की ओर, फिर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट बताती हूँ आपको। तो लास्ट स्टेप इसका है ये क्रीम विच इज़ अ वाइटनिंग क्रीम। तो आई हाईली डाउट कि ये एक ऐसी क्रीम होगी जो कि वाइट कास्ट देती होगी। ये भी इस तरीके की टिप्पी में है, थोड़ी सी क्रीम है एंड इट कंटेन्स सम SPF। कितना SPF है इसका? SPF 30। तो मतलब अगर आप ये फेशियल करके तुरंत बाहर भी जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, विच आई वुड नॉट सजेस्ट। कोई भी फेशियल करने के बाद ना कम से कम 5 घंटे 7 घंटे आप धूप में ना जाओ तो अच्छा है। और मुझे यही डाउट था कि ये क्रीम बस ऐसी क्रीम होगी वाइट कास्ट छोड़ेगी जो। तो ये पार्लर वालों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि वो कस्टमर को दिखा सकते हैं बड़े अच्छे से कि देखो कितने कोरे हो गए आप। तो ये क्रीम का स्टेप मुझे लगता है थोड़ा यूजलेस सा ही था क्योंकि बस एक वाइट कलर टोन वाली क्रीम है, देखते हैं थोड़ी देर में अब्सॉर्ब होती है कि नहीं तो पोंछ दूंगी मैं तो इसको। तो इस क्रीम ने बस कुछ नहीं किया, एक वाइट कास्ट छोड़ दी है मेरे चेहरे पे। तो अगर मुझे ये लगाना है तो इससे अच्छा मैं सनस्क्रीन लगा लूँगी यार। ओके सो अराउंड 1.5 से 2 मिनट हो चुका है मेरे चेहरे पे वो क्रीम लगाए हुए, लेकिन अभी भी वो वाइट कास्ट नहीं जा रहा है इसका। तो I'm gonna just take this wet end of a towel, थोड़ा सा मैं इसको कम करूँ क्योंकि मेरे को अपना चेहरा ही नहीं अच्छा लग रहा है ऐसा देख के। ओके सो बात कर लेते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अबाउट द फेशियल किट। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो फेशियल किट बहुत अच्छी है। अगर आपके पास नहीं मिल पा रहा है आपको टाइम सैलून जाने का, जैसे कई बार होता है न्यू मदर्स हैं या फिर आप वर्किंग लेडीज़ हैं तो आपके पास नहीं टाइम मिल पा रहा है फेस्टिवल्स के टाइम पे कि आप सैलून जा पाओ या कुछ ऐसा किसी को घर पे भी बुला पाओ, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे करवा चौथ आ रही है, दिवाली आ रही है, उसके बाद वेडिंग सीजन आ रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हो घर पे रख के इसको। अगर इसका बस वो एक वाइटनिंग वाला पार्ट हटा दें तो ओवरऑल किट में कोई दिक्कत नहीं है। किट अमेजिंग है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मतलब पूरी स्किन जो है ना अच्छी सॉफ्ट सपल लग रही है। और मुझे गारंटी लग रहा है कि अगर हम इसको ऐसे हर मंथ यूज़ कर लें तो स्किन में अंतर दिखेगा। बस वो जो एक यूजलेस सा स्टेप लगा वो जो लास्ट का वाइटनिंग क्रीम था वो बिल्कुल ही यूजलेस स्टेप था, उसका कोई मेरे को लगता नहीं कि औचित्य था, वो होना नहीं होना बराबर ही था। क्योंकि एनी विच वेज आप फेस पैक निकालने के बाद अपना चेहरा टोन करके मॉइस्चराइज करते ही करते, लेकिन वो जो क्रीम था ना वो बहुत ही अजीब सा था, पूरा वाइट कास्ट होने वाला, वाइटनिंग क्रीम के नाम पे जो वाइट कास्ट उसने दिया बहुत ही इरिटेटिंग था, बहुत ही यूजलेस था। बट ठीक है, ओवरऑल किट अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हो। O3 के कई सारे फेशियल किट्स आते हैं, इनके ब्राइडल फेशियल किट्स में भी 3-4 वेरिएंट्स आते हैं। इनकी गोल्ड फेशियल किट है, विटामिन सी फेशियल किट है, फिर डी टैन है, एंटी एजिंग है, बहुत सारी फेशियल किट्स हैं। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन डेफिनेटली चूज़ आपको कौन सी फेशियल किट इनकी अच्छी लगती है। बट क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, मैं प्रोडक्ट की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, जो भी है अच्छा प्रोडक्ट है, बट वो जो बस ब्राइटनिंग वाइटनिंग वाला पार्ट है, और ब्राइटनिंग रहे वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि एक ग्लो चेहरे पे ज़रूरी होता है। तो अगर आपको यूज़ करना हो तो आप करवा चौथ पे ज़रूर इसको एक बार ट्राई करो। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर अगर आपने यूज़ किया तो कैसा लगा आपको, और पहले अगर आप और अगर कोई और अच्छी फेशियल किट है जो हम सब ट्राई कर सकते हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर बताना। वीडियो यहाँ तक देख लिए तो लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, प्लीज़ कर दिया करो, ठीक है। एल्गोरिथम में मुझे बहुत फ़ायदा होता है, आपका कुछ भी नहीं जाता उसमें, बस एक क्लिक करना रहता है। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना जिनको एक अच्छे से फेशियल किट की ज़रूरत है जो घर पे करा जा सके, तो और कन्वीनियंट भी है करना घर पे। यस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, अंटिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम द गोल्डन ब्लश, लव यू ऑल सो मच।